हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और दोस्तों, हाल ही में इस स्टॉक में 1:1 का बोनस हमें देखने को मिला है। और दोस्तों, यहाँ से इस स्टॉक में इसका प्राइस फ्यूचर में काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट या ग्राफ काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इनकी दोस्तों, इसका जो बिजनेस है ज़बरदस्त है। हालांकि इससे पहले भी हमने काफ़ी बार इस स्टॉक ऊपर वीडियो बना के फोकस कराया था। दोस्तों, स्टॉक जैकपॉट है, फ्यूचर में काफ़ी शानदार तरीके से रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी मंथ में 1:1 का बोनस शेयर दिया है, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए, इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे पिछली 1 मंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 18% से एबव का मुनाफा का फिगर है, जो कि काफ़ी शानदार है। और दोस्तों, पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में यहाँ पे देख सकते हो 150% का इस स्टॉक में रैली देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस ग्राफ देख सकते हो, जैकपॉट अभी तक साबित हुआ है। और दोस्तों, पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 324% से एबव का मुनाफा का फिगर ज़बरदस्त है। और इसका प्राइस का ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका प्राइस ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टॉक हमें 2018 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ से अभी तक 630% से एबव का इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। हालांकि इस स्टॉक में बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हमें गिरावट देखने को मिला था, यहाँ से काफ़ी शानदार रैली देखने को मिला। और दोस्तों, इंटायर आईटी में गिरावट हो रहा था, उस समय इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिला। हालांकि यहां से कंटिन्यू हमें अभी रैली देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इस स्टॉक में 1:1 का बोनस शेयर हमें इसी मंथ में देखने को मिला है। उसके बाद का प्राइस यहाँ पर रफली 850 के आसपास में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से न्यूज एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, 1:1 का बोनस शेयर हमें इसी मंथ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद का प्राइस यहाँ पे 858 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से डेफिनेटली काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों, इसका रेवेन्यू की बात करेंगे तो इसका रेवेन्यू ग्राफ इस साल का सबसे हाइस्ट यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली 5 ईयर ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर शो किया है। और दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट ग्राफ की बात करेंगे तो इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्राफ देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से स्टॉक हमें फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली में 1500 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। यहाँ पर जो देख सकते हो, इसका 1 डे का टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू इस स्टॉक में यहाँ से सपोर्ट लेके हमें रैली देखने को मिला। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पे देखा जाए इसका प्राइस तो हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट लेके इसका प्राइस आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर में डेफिनेटली इसका प्राइस रफली 1500 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। इसका वीकली टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका वीकली टेक्निकल चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बुलिश देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यू रैली देखने को मिल रहा है, यहाँ से जबरदस्त सपोर्ट लिया और यहाँ से कंटिन्यू रैली शो किया है। हालांकि यहाँ पे भी कोई ऐसा नेगेटिव कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 12,000 करोड़ से एबव का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि मिड कैप से बिलोंग करता है। और दोस्तों, 52 के हाई की बात करेंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन में ही इसका 858 का हमें हाई देखने को मिला, जो कि लो की बात करेंगे तो रफली 200 के निचले स्तर का है। और दोस्तों, यहाँ पे इस स्टॉक का प्रीशू की बात करेंगे तो 62 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के प्रीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ओनली 40 के आसपास का फिगर है। यानी कि जो इसका प्राइस है ओवर वैल्यूड फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे देखा जाए रिटर्न इक्विटी का फिगर तो 20% से एबव का फिगर है, जबरदस्त है। और दोस्तों रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर भी यहाँ पे 24% से एबव का फिगर है। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड का फिगर भी रफली अच्छा खासा देखने मिल रहा है, हालांकि इसका फेस वैल्यू ₹10 का है। और दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए प्रमोटर का होल्डिंग तो 55% से एबव का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी शानदार है। और दोस्तों कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस नहीं है। EPS इसका रफली 14 के आसपास का फिगर है, हालांकि यहाँ पे देखा जाए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फिगर तो 0.04 का फिगर है। ऑलमोस्ट कंपनियों में डेप्ट फ्री भी देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो का फिगर यहाँ पे 77 करोड़ के आसपास का फिगर है, जबरदस्त है। और दोस्तों इसका PEG रेशियो भी हमें हाई देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत हमें करेक्शन का फिगर देखने मिले, अदरवाइज फ्यूचर के लिए स्टॉक जबरदस्त है, स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसका क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो देख सकते हो एवरी क्वार्टर का सेल्स काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर का सेल्स भी काफ़ी शानदार देखने को मिला था। और दोस्तों इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, इसका क्वार्टरली भी एवरी क्वार्टर का अच्छा खासा फिगर देखने मिल रहा है। यहाँ पे जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में फिगर में देखने मिला। और दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा फिगर में देखने मिल रहा है। जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर क्वार्टर का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में फिगर हमें देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ सेल्स का फिगर देख सकते हो एवरी ईयर का काफ़ी शानदार फिगर है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में सेल्स का फिगर यहाँ पे देखने मिला। और दोस्तों इस साल के अभी तक का सेल्स का फिगर भी काफ़ी अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो एवरी ईयर का स्ट्रॉन्ग फिगर में देखने मिल रहा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर में देखने मिल रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का फिगर पिछले 3 साल का 15% का फिगर है, जो कि पिछले 5 ईयर का फिगर भी काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 37% का है, जबरदस्त है। और दोस्तों पिछले 5 ईयर का भी 19% का प्रॉफिट ग्रोथ का फिगर है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीजेड की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 78% का सीजेड का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, जो कि पिछले 1 साल में 350% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। और दोस्तों पिछली 5 ईयर की बात करेंगे तो 41% का सीजेड का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों रिटर्न इक्विटी का फिगर यहाँ पे देख सकते हो पिछले 3 साल का 21% का फिगर है, 5 ईयर की बात करेंगे तो 20% का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रिजर्व का फिगर भी एवरी ईयर का काफ़ी शानदार फिगर हमें देखने को मिल रहा है। एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक रिजर्व का फिगर शो किया है। ब्रूइंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी में डेप्ट फ्री देखने को मिल रहा है, कोई खास डेप्ट का फिगर नहीं है। और दोस्तों फिक्स एसेट का फिगर यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे शो किया है। तो स्टॉक में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली हमें 1500 या क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें रफली यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 55% से एबव का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि FII की होल्डिंग काफ़ी शानदार है 15% से एबव का। और दोस्तों DII का होल्डिंग भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल का होल्डिंग भी रफली 19.5% के आसपास का होल्डिंग है। तो यहाँ पर सारा का सारा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, ओनली यहाँ पर रिटेल का होल्डिंग 19.5% के आसपास का है, अदरवाइज यहाँ पर FII एंड DII की होल्डिंग जबरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो शेयर होल्डर पैटर्न अपने आप में काफ़ी अच्छा सा, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस अपनी 660 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी इसमें जबरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका Q3 का रिजल्ट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। दोस्तों मेरे को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।